यहाँ पे टहर रहे हैं और घायल से सिर्फ टहरता नहीं है, जबरता भी है। फिलहाल यहाँ पर मैच में कमी करने के लिए प्रयास, गेंद को घोषित करने के बाद फिर दोष, चारों रन करने के बाद फिर दोष, यहाँ पर एक ठीक लेने के प्रयास, सूरज के लिए गेंद, नौ नंबर और दस नंबर की जोड़ी यहाँ पर साझा करते हुए, फिर दोष, यहाँ पर गेंद कंट्रोल करता हुआ, गेंद कंट्रोल से बाहर और गेंद को छीनने के लिए प्रयास करता हुआ, कमाल का मुकाबला यहाँ पर, एक सिर्फ गंभीर रूप से चोटी नजर आ रहे हैं, निश्चित रूप से खिलाड़ी चोटी नजर आते हुए फास्टर बॉक्स की ओर, फिर तो पास यहाँ पर गेंद कंट्रोल करता हुआ, गेंद कंट्रोल से बाहर और गेंद को छीनने के लिए प्रयास करता हुआ, कमाल का मुकाबला यहाँ पर, एक सिर्फ है बड़ी बात होगी, बस में कमी, एक खिलाड़ी यहाँ पर चोटी लेते हुए निश्चित रूप से आशीष रेफरी तरुण कुमार का राम राजनकार गंभीर रूप से और फास्टर बॉक्स यहाँ पर बुलाया गया है, एक खिलाड़ी यहाँ पर गंभीर रूप से चोटिल नजर आ रहे हैं, निश्चित रूप से खिलाड़ी चोटिल नजर आते हुए फास्टर बॉक्स की ओर, बाहर करो हम बनाए रखे हैं, स्ट्रेचर के लिए मांग की गई है, स्ट्रेचर के लिए मांग की गई है,
परवर्ती राउंड को 14 वर्ष सूचना हो मैन ऑफ द मैच के तौर पर चुने गए हैं आरब स्पोर्टिंग के जर्सी नंबर 16। आरब स्पोर्टिंग के जर्सी नंबर 16 आप मंच के करीब आएंगे, आपको सम्मानित किया जाएगा रोहिणी का रोजिया मैच के तौर पर। आरब स्पोर्टिंग के जर्सी नंबर अनुरोध करेंगे पोडियर मेंबर बाहर जाते पोडियर बाहर जाते Without ball, it is a violent conduct, so it now is a set up. Violent conduct, so it is a set up. Number 5, Ghanshyam Murmu, violent conduct, without ball. बड़े बार को चले जाऊंगा और इसी के साथ यहां पर चलता हुआ महाराज इधर फ्री किक है की कोशिश गोलकीपर पूरी तरीके से तैयार होते हुए बढ़िया बचाव गोलकीपर के द्वारा बहुत ही बढ़िया बचाव बेहतरीन तरीके से बॉल को यहां पर लेते हुए बहुत ही पोजीशन के माध्यम से एक तरफ है 9 खिलाड़ी एक तरफ है 8 खिलाड़ी एक खिलाड़ी को इस टूर्नामेंट का पहला सेंटर फाउल एंड कंडक्ट विदाउट गोल पोजीशन असिस्टेंट रेफरी तरुण ने अपने मौजूद पूरी तरीके से निगाहें अलग कर उन्होंने रखा था। इसी के साथ जर्सी नंबर 13 भाई कमड़िया थी और इसी के साथ जर्सी नंबर 2 हल्का तो माइनस किया गोलकीपर के लिए गोलकीपर इस बार जर्सी नंबर 14 के लिए 14 नंबर जर्सी बेहतरीन तरीके से अपने नियंत्रण में जर्सी नंबर 12 इसके जर्सी नंबर 12 के साथ जर्सी नंबर 1 एक नंबर जर्सी रफ्तार के साथ बॉल को यहां पर बढ़ाने की कोशिश में इस कोशिश के साथ मैदान के पांच छोड़ पर अच्छी प्रयास देखना है माइनस किया कोशिश थी लेकिन यह कोशिश नहीं है और सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और रोहिणी क्लब रोजिया का द्वारा यह निष्पत्ति यह निर्णय किया गया है सिंगल प्लेयर जर्सी नंबर 5 को इस टूर्नामेंट में 3 साल के लिए बैन किया जाता है। तो चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेक्रेटरी जी तो इस बार मैं जोन से जानना चाहूंगा जो हमारे सेक्रेटरी है एक डिसिप्लिन टूर्नामेंट आयोजन करते हैं लगातार
13 साल तक इस टूर्नामेंट का आयोजन किए हैं, कभी भी ऐसा इंसिडेंट यहाँ पर हुई नहीं थी, पहली मरतबा इंसिडेंट हुआ और इसी को रोकथाम के लिए जो निर्णय लिया गया है तो जुड़ना चाहेंगे सेक्रेटरी जोन के साथ। यह बहुत दुखद बात है कि जानबूझकर खिलाड़ियों को चोटें पहुंचाना गेम स्पिरिट से पूरा बाहर है, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कमिटी से, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जा रहा है। घनश्याम मुर्मू जो कि कनाडा टीम से खेल रहा था उसको 3 साल के लिए बैन कर दिया जा रहा है और ये इस टूर्नामेंट में 13वां संस्करण में दूसरे खिलाड़ी में पहले भी एक खिलाड़ी को बैन किया गया था 3 साल के लिए, इसीलिए सभी खिलाड़ियों को क्लब की ओर से गुजारिश है और कृपया भाईचारा में खेल को आगे बढ़ाना। धन्यवाद। चले जुड़ते हैं प्रवास के साथ जी, बिल्कुल खेल को सरप्राइज बनने के लिए खेला नहीं जाता, एक विश्व भ्रातृत्व यानी भाईचारा के संबंध को प्रमोट करने के लिए खेल को खेला जाता है और सभी टीमों के खिलाड़ियों को मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोग डिसिप्लिन के साथ खेलें, इस प्रकार के आक्रमणात्मक खेल ना खेलें कि विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को चोट पहुंचे। चलिए यहाँ पर दूसरे हाफ का खेल 1-0 का लीड ले चुका है यहाँ पे टीम डायनामिक्स सियाल जोड़ा और मैच में कमबैक करने के लिए प्रयास कर रही है टीम एसके सिकरिया खेनाबेंटा और इसके बाद वाले मुकाबला के लिए तैयार रहेंगे कोंड रॉयल शिवराम आरोप स्पॉटिंग। दोनों ही टीमों के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे अपनी टीम को टेक्निकल जोन में लाने के लिए। फिलहाल यहां पर गेंद को कंसीड करते हुए दाएं छोर से हमला बोलने की तैयारी केनामेंटा की टीम और केनामेंटा तेज रफ्तार से गेंद को रिपील करते हुए टीम की तरफ से यह है सुनील लोहार टीम के वंडर बॉय, बेहतरीन गोल के साथ साथ बेहतरीन असिस्ट भी करते हैं। जिस तरह का सिचुएशन कुछ समय पहले रहा जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेक्रेटरी विवेकानंद पात्र जी जुड़े थे माइक्रोफोन पर, चौन भाई भी बताते हुए बता चुके हैं और अक्सर हम भी कहते हैं जब भी कमेटी के माध्यम से हम दर्शकों के साथ